दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में 80-90 का दशक एक ऐसा दौर माना जाता है जिसमें कई बेहतरीन अभिनेत्रियों ने अपनी खूबसूरती और कलाकारी के दम पर दर्शकों को अपना दीवाना ही नहीं बनाया बल्कि काफी दौलत और शोहरत भी कमाई, जिनमें से एक नाम पद्मिनी कोल्हापुरे का भी आता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पद्मिनी कोल्हापुरे की लाइफस्टाइल और उनकी संपत्ति के बारे में। सन 70 के दशक में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की और 80 के दशक में इनको लीड हीरोइन के तौर पर पहचान मिली। मात्र 9 साल में ही फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली पद्मिनी का जन्म 1965 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हुआ था, जिसके कारण इन्हें पद्मिनी कोल्हापुरे कहा जाता है। 56 साल की पद्मिनी का फिल्मी करियर काफी लंबा और शानदार रहा है, इन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। 1983 में फिल्म प्रेम रोग के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। पद्मिनी एक्ट्रेस के साथ साथ बेस्ट सिंगर भी हैं। इनका जुहू में एक लग्जरियस फ्लैट है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है। जहां ये अपनी फैमिली के साथ रहती है, उनको लग्जरी गाड़ियों का भी बहुत शौक है। इनके पास एक लैंड रोवर कार है जिसकी कीमत 70 लाख है। ऐसा कहा जाता है कि इनके पास ऑडी Q7 कार भी है जिसकी कीमत 90 लाख है, जिसमें ये अपने बेटे के साथ पार्टीज वगैरह में जाती नजर आई हैं। पद्मिनी पद्म सीता नाम की एक बुटीक की मालकिन भी है। पद्मिनी ने हिंदी फिल्मों में काम करके न केवल शोहरत हासिल की बल्कि दौलत भी कमाई। बात इनकी संपत्ति की करें तो इंटरनेट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार पद्मिनी के पास 39 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।